नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजनीतिक नियुक्तियों की बात जो रही कांग्रेस, कार्यकर्ताओं का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश में जल्द ही बड़े स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब किसी भी वक्त राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुल सकता है। खास तौर पर जिला स्तर पर 3000 नियुक्तियां बहुत जल्द ही जा सकती हैं। वहीं प्रदेश स्तर की करीब 1 दर्जन संस्थाओं में भी जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। जिला स्तर पर कई तरह की समितियां होती हैं, जिनमें 20 से 30 हजार कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाना है। वहीं प्रदेश स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण बोर्ड आयोग समितियों में नियुक्तियां होनी है। इन नियुक्तियों के लिए 17 अप्रैल का दिन निकलने का इंतजार किया जा रहा था। आज उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होते ही कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद की घड़ियां शुरू हो गई हैं। इन नियुक्तियों के लिए एक्सरसाइज पूरी की जा चुकी है और नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं। बस अब घोषणा का इंतजार है, जो किसी भी वक्त की जा सकती है। प्रदेश स्तर की बात करें तो फिलहाल जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग, किसान आयोग, खादी बोर्ड और समाज कल्याण बोर्ड जैसी संस्थाओं में जल्द नियुक्तियां का संभावना है। वहीं जिला स्तर पर शुरुआती तौर पर 3000 नियुक्तियां की जा सकती हैं। इन राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए कार्यकर्ताओं के असंतोष थामने का प्रयास होगा। वहीं बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ता पुरस्कृत भी होंगे। गौरतलब है कि कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इन नियुक्तियों का इंतजार है और अब विधायक भी इसे लेकर मुखर होने लगे हैं। हाल ही में पूर्व DP CM सचिन पायलट भी यह बात कह चुके हैं कि नियुक्तियों में देरी की अब कोई वजह नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन में राजनीतिक नियुक्तियों की सूचियां आना शुरू हो जाएंगी। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।